हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द न्यू लेक्चर ऑफ एक्ट एंड रूल। ये हमारा 16th नंबर का लेक्चर है एक्ट एंड रूल का। और जैसा कि आपको पता है, हमने पोल किया था टेलीग्राम पे और आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये कहा था कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहिए। तो हम अब सिक्वेंसली सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उसको पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस में पॉइंट नंबर 12 पे मैंसनड है, लैंडमार्क जजमेंट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू द रोड सेफ्टी। तो इसका पार्ट वन हम डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट वन में जो फर्स्ट केस है मुकुंद देवगन वर्सेज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का, ये केस हम डिस्कस करेंगे। आज डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या कंक्लूजन आया कोर्ट का, क्या फायदा हुआ इससे, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको @manuacademy सर्च करना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिथम ऐसी होती है कि जो वीडियो लाइक होते हैं वो रैंक करते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेक्चर में आपको क्या अच्छा नहीं लगा, क्या इंक्लूड करना चाहिए या क्या चीजें आपको समझ में नहीं आई। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस केस में हुआ क्या था, क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो आप जानते हो कि आपने अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया। अब जैसे कहीं पे एक्सीडेंट होता है, आप क्लेम सेटलमेंट के लिए क्या करते हो, एप्लीकेशन डालते हो। उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी नौटंकी शुरू होती है। तो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ। अब इन्होंने जब क्लेम सेटलमेंट के लिए कंपनी के पास रिक्वेस्ट डाला तो कंपनी ने कहा कि जो आदमी ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं था। कैसा वैलिड लाइसेंस नहीं था, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी गुड्स कैरिंग या फिर कॉमर्शियल व्हीकल थी और उसका जो लाइसेंस था वो एलएमबी का था, एलएमबी का लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस था। इसलिए कंपनी के पास ये राइट है कि वो आपको सेटलमेंट नहीं देगी। और इसको लेके कंपनी ट्रिब्यूनल में चली गई। ट्रिब्यूनल के बाद वो चले गए कोर्ट में। तो कोर्ट में ये फैसला आया जिसको कहा गया मुकुंद देवगन वर्सेज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। अब ये आपको क्यों पढ़ना है, ये इसलिए आपको पढ़ना है कि ये एक लैंडमार्क सेट करता है। ये जो जजमेंट था ये हमारे एक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन लाया या कुछ डिफिनीशन हमारे एक्ट में नहीं थी जिसको इन्होंने डिफाइन किया। इस एक्ट ने डिफाइन किया कि ये चीजें वहां पे प्रॉपरली डिफाइंड अगर नहीं है तो उसका मतलब ये है। इसलिए ये जजमेंट एक लैंडमार्क बन गया। उसके बाद बहुत सारे और रास्ते खुल गए, तो वो पूरी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम जजमेंट को डिस्कस करने से पहले हमारे जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1998 का, इसमें कुछ सेक्शंस होंगे जो उसका यूज किया गया होगा जजमेंट में, तो उस सेक्शंस को डिस्कस करेंगे जिन सेक्शंस या सब सेक्शन का हमारे जजमेंट में यूज है, ताकि आपको चीजें अच्छी से समझ में आए। अगर आप नहीं जानते रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ये 2 और ये 15 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि सेक्शन 2 का 15 नंबर का सब सेक्शन है ये, ठीक है। तो ये एस तो नहीं लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा 215। इसका मतलब आपको समझना है कि सेक्शन नंबर 2 का जो 15 नंबर का सब सेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी सेक्शन या सब सेक्शन वहां पे यूज हुए हैं सबको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन जो 2 है जिसमें डिफिनीशंस दी गई हैं, आपको मैं जब से पढ़ा रहा हूँ सारी चीजों में आपको बताता हूँ कि जब कोई एक्ट बनता है तो वहां पे जो वर्डिंग यूज होती है उन वर्डिंग को डिफाइन किया जाता है सेपरेटली, ताकि कोई उसका मिस इंटरप्रिटेशन ना करे, कोई अपने मर्जी से उसकी मीनिंग ना निकाले। तो यहाँ पे भी डिफिनीशन बनाई गई हैं। जो 15 नंबर आपका सब सेक्शन है उसमें बताया गया है कि ग्रॉस व्हीकल वेट क्या होगा। तो ग्रॉस व्हीकल वेट एग्जैक्टली क्या होता है, ग्रॉस व्हीकल वेट मतलब व्हीकल का वेट प्लस पेलोड जो उस पर रखा गया है सबका वेट मिला के ग्रॉस व्हीकल वेट होता है। बेस कर्व वेट बोलते हैं अगर गाड़ी आपकी खाली है और जब पेलोड उस पर रख देते हैं तो ये हो जाता है हमारा ग्रॉस व्हीकल वेट, ये सारा रखने के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब टोटल लोड इन शॉर्ट हम अगर कहें तो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है हैवी व्हीकल आप किसे कहोगे, हैवी गुड्स व्हीकल या फिर हैवी पैसेंजर व्हीकल, जिनका जो वेट होता है कौन सा वेट, ग्रॉस व्हीकल वेट 1 to 000 केजी का होता है, किलोग्राम का, उसे हम कहेंगे हैवी गुड्स व्हीकल। सेम डिफिनेशन आपका हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल के लिए भी है, उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, ये सब ज्यादा मैटर नहीं करती हैं, मैटर करता है आपका वेट। वेट आप याद रख लेना, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो आपका नेक्स्ट सब सेक्शन है वो है 21।
मतलब सेक्शन 2 का सब सेक्शन 21, जिसमें लाइट मोटर व्हीकल को इन्होंने डिफाइन किया है और कहा है कि लाइट मोटर व्हीकल का जो ग्रॉस वेट होना चाहिए वो 7500 केजी किलोग्राम होना चाहिए। अगर इतना किलोग्राम है, इसको एक्सीड नहीं कर रहा है, तो किसमें आएगा? लाइट मोटर व्हीकल में आएगा, लाइट मोटर व्हीकल में आएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, अनलेडन वेट। अनलेडन वेट को क्या कहते हैं? हम अनलेडन वेट को समझना है, यहां से समझिए। जैसे आपने गांव में ट्रैक्टर तो देखे होंगे, तो ट्रैक्टर का जो इंजन होता है, अगर केवल इंजन जा रहा है तो उसे हम कहेंगे अनलेडन। अगर उसमें ट्रॉली ऐड कर दे, मतलब जो भी एसेसरीज है उस ट्रैक्टर की, ट्रॉली की जगह पे चाहे कुछ भी हो जो कृषि के लिए यंत्र होते हैं वो सारे यूज कर दिए हम, तो उसे सेमी लेडन कहते हैं। ये अनलेडन वेट होता है, ठीक है, जो मेन इंजन का पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं अनलेडन वेट। तो इसमें उन्होंने अनलेडन वेट को डिफाइन किया है। ये वर्ड भी बहुत बार यूज होगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे सेक्शन 10 की। किसके सेक्शन की? हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 के सेक्शन 10 की बात करेंगे, क्योंकि इसका भी वहां पे यूज किया गया है जजमेंट में। इसमें इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि एक्सेप्ट देन सेक्शन 18 में इशू किया गया है, मतलब सेक्शन 18 में वो इशू नहीं किया गया है। सेक्शन 18 क्या होता है? एक स्पेशल क्लॉज है जिसमें उन लोगों को लाइसेंस इशू किया जाता है जिनके पास कुछ डिसेबिलिटीज है। तो आपको इसके अंडर में अगर लाइसेंस इशू नहीं किया गया है तो आप इंटाइटल्ड होते हो, ये सारी गाड़ी आप चला सकते हो। यहाँ पे लिखा है वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, इन सारी गाड़ियों को आप क्या कर सकते हो? चला सकते हो। ध्यान देके देखो तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी। यहीं पे मेन प्रॉब्लम फंसा था, जो हमारे केस हुई थी इंश्योरेंस कंपनी की, वो यहीं पे हुई थी कि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हैं और उनके पास जो लाइसेंस है वो लाइट मोटर व्हीकल का है। तो यहाँ पे आप देखो कि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल है तो भी आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकते हो, बस एक्सेप्ट ये है कि उसका जो वेट होना चाहिए वो इसके कैटेगरी में आना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल कैटेगरी में आना चाहिए, दैट इज 7500 केजी। इसके अंडर में है तो आप ये गाड़ी भी चला सकते हो। अब हमारे केस की तरफ बढ़ते हैं, या फिर जजमेंट के अलग जजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट क्या था? ओरिएंटल इंश्योरेंस ने केस कर दिया था कि हम आपका सेटलमेंट नहीं देंगे, क्योंकि आप जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो ये एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी में आती है, जिसका लाइसेंस आपके पास नहीं है। आपके पास जो लाइसेंस है वो लाइट मोटर व्हीकल का है और आप एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी चला रहे हो, तो आपका सेटलमेंट नहीं होगा। इस केस को कौन सुन रहा था? 2 जजेस की बेंच सुन रही थी, कुरियन जोसेफ एंड अरुण मिश्रा। दोनों लोगों का नाम इम्पोर्टेंट है या नहीं? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पॉसिबल है आपके लिए याद करना तो याद रख लेना, अगर नहीं रख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ, ये जजेस थे, इन्होंने इस पे डिस्कशन किया और इस केस को कुछ क्वेश्चन के साथ अपने हायर ब्रेंच को ट्रांसफर कर दिया। आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसमें बेंचेज होती है, 1 जज, सिंगल जज, 2 जज, 3 जज, 5 जज, 7 जज, फुल बेंच, इस टाइप से वहां पे बेंचेज होती हैं। तो इन्होंने 2 जज के जो ये थे इनको 3 जजेज को, मतलब हायर बेंच को ट्रांसफर कर दिया। अब चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी लोअर बेंच थी, मतलब जो 2 जजेज की बेंच थी, उन्होंने जब केस ट्रांसफर किया हायर जजेज को तो उनके सवाल क्या थे, किस क्वेश्चन पे हमारे हायर जजेज को फैसला देना था। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मीनिंग गिवेन इन द डिफिनेशन लाइट मोटर व्हीकल इन द सेक्शन ऑफ 2 सब सेक्शन 21 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। कहा था उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कि क्या ये लाइट मोटर व्हीकल की जो डिफिनेशन है उसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल को एक्सक्लूड किया गया है क्या, मतलब उसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं आती है। आपको पता है लाइट मोटर व्हीकल के लिए जो वेट डिफाइन किया गया है 7500 केजी है। तो इनके कहने का मतलब ये था, आप थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझें, कि अगर मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन द सेंस कि जो पैसेंजर गाड़ी नहीं है जिसमें हम सामान ढोते हैं, तो क्या उसका वेट सपोज 500 केजी है तो क्या वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी? ये डिफाइन करना था हमारे हायर बेंच को, क्योंकि वहां पे प्रॉपरली मेंशन नहीं था, हमारे एक्ट में प्रॉपरली ये मेंशन नहीं था। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करना था कि क्या उसको हम लाइट मोटर व्हीकल कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे। ऑब्वियसली जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया ये। दूसरा जो उनका क्वेश्चन था कि जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जैसे ओमनी बस है, जिसका ग्रॉस वेट 7500 केजी से कम हो, मतलब एक्सीड नहीं कर रहा हो, या लाइट मोटर व्हीकल, क्या वो लाइट मोटर व्हीकल के अंडर में आएंगे, जैसे कि
हमारा कार हो, ट्रक हो, रोड रोलर हो, अनलेडन वेट हो, इन सब का अगर वेट एक्सीड नहीं करता है 7500 से, तो वो आदमी जिसके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, क्या वो कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम, कॉम्पिटेंट मतलब वो सक्षम है कि वो इन गाड़ी को ड्राइव कर सकता है, तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो ड्राइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे कोर्ट का क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मीनिंग गिवेन बाय द डिफिनीशन ऑफ लाइट मोटर व्हीकल एज डिफाइंड सेक्शन इन दिस, इसमें अमेंडमेंट का क्या फर्क पड़ा। अमेंडमेंट हुआ था हमारा 1994 में, ये अमेंडमेंट क्या किया कि जो हमारे हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी पैसेंजर व्हीकल, मीडियम पैसेंजर व्हीकल, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, इन सारे टर्म को डिलीट कर दिया गया वहां से। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो सारे टर्म डिफाइन किए गए थे ना, इनको डिलीट किया गया और इनके जगह पे केवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल ला दिया गया। तो हमारे कोर्ट ने, लोअर बेंच ने हायर बेंच को ये क्वेश्चन रखा था, जिसपे हायर बेंच को फैसला देना था कि क्या इस अमेंडमेंट का हमारे ये जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का वेट है, या ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल की डिफिनीशन है, या फिर हमारा जो सेक्शन है 221 के डिफिनीशन पे कोई फर्क पड़ता है। तो ऑब्वियसली इस पे भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हायर बेंच है उसका सिंपल है जजमेंट आया, उस जजमेंट को हम आगे देखेंगे। अभी आप बस क्वेश्चन को माइंड में रखना, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। जिस अमेंडमेंट की यहाँ पे बात हो रही है वो अमेंडमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, 10K सबसेक्शन 2 में अमेंडमेंट किया गया था। अब बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे 1994 में, मोर देन 100 अमेंडमेंट हुए थे, तो सारे अमेंडमेंट को तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, ऑब्वियसली सारे अमेंडमेंट पढ़ने भी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया है उसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 2 का सबसेक्शन है उसमें भी सबसेक्शन ई एफ जी एच बनाया गया था, और यहाँ पे डिफाइन किया गया था कि जो मीडियम गुड्स व्हीकल है वो क्या होगा, मीडियम पैसेंजर व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी पैसेंजर व्हीकल, इन सभी को डिफाइन किया गया था, बताया गया था कि ये क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे इन सबको देखो आप, एफ को डिलीट कर दिया गया, जी को डिलीट कर दिया गया, एच को डिलीट कर दिया गया, और यहाँ पे कह दिया गया कि ये सारे ट्रांसपोर्ट के कैटेगरी में आते हैं। किसमें कैटेगरी में आते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के कैटेगरी में आते हैं। तो ये देखो, ये पहले था, ये बाद में इसको अमेंड करके बनाया गया, तो ये अमेंडमेंट है एग्जैक्टली। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था लोअर बेंच का, हायर बेंच से उन्होंने कहा कि जो ये अमेंडमेंट किया गया है फॉर्म 4 में, फॉर्म 4 जो कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फिलअप करते हो, उन्होंने कहा कि इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, तो क्या आप जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइट मोटर व्हीकल में आती हैं उसका लाइसेंस लेने के लिए प्रोसीजर चेंज हो गया है। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया, हम अब जवाब को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप फॉर्म 14 को देख सकते हो, फॉर्म 4 को देख सकते हो, ये फॉर्म था। ऑब्वियसली फॉर्म जो आता है उसमें टिक मार्क करने के लिए ऑप्शंस रहते हैं कि आप कौन से गाड़ी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये सारी चीजें थी, इन सभी केसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, और उसी जजमेंट को लैंडमार्क जजमेंट कहा गया, मुकुल देवगन वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस की। ऑब्वियसली यहाँ पे जो कंपनी का जो केस था उसको डिनाई कर दिया गया। तो क्या क्या जजमेंट आया वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, इन देयर जजमेंट डेटेड 3/7/27, 3 जजेज, यहाँ पे नाम भी मेंशन है बट नाम ऐसे सच आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने पहला जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन उनका क्या था कि जो लाइट मोटर व्हीकल डिफाइन किया गया है उसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल को इंक्लूड किया गया है या एक्सक्लूड किया गया है। तो हमारी कोर्ट ने जवाब, हमारी हायर बेंच ने कहा कि नहीं, जो लाइट मोटर व्हीकल है उसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी इंक्लूडेड है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे इन्होंने कहा इंक्लूडेड है, वैसे ही इंश्योरेंस इंडिया ने अपना केस, मतलब अपनी केस लॉस कर दी, इंश्योरेंस इंडिया हार गई। क्योंकि इंश्योरेंस इंडिया यही कहती थी कि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चला सकते हो। कोर्ट ने कहा कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल वो चला सकते हैं, बशर्ते उसका वेट जो है वो 7500 केजी से कम होना चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो चाहे वो सामान ढोने वाली हो या पैसेंजर ढोने वाली हो, कार हो, रोड रोलर हो, ट्रैक्टर हो, आप सारा चीज चला सकते हो। तो पहला जजमेंट उनका था कि हाँ, ये एक्सक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड है। नेक्स्ट जो उनका क्वेश्चन था उस पर इनका जवाब आया कि ये जो सारे चीजें हैं जिसको उन्होंने पूछा था कि आप बताओ कि जो रोड रोलर होता है, ट्रैक्टर होता है, जो कार होती हैं, अगर उनका वेट 7500 से कम है और किसी आदमी के पास, किसी ड्राइवर के पास अगर LMB लाइसेंस है तो क्या वो कॉम्पिटेंट है उसको चलाने के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट है। अगर उसके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है और कोई भी गाड़ी,
कैसी भी गाड़ी हो, ट्रैक्टर, बस, रोड रोलर, कुछ भी हो, अगर उसका वेट 7500 से कम है तो वो इसको ड्राइव करने के लिए कॉम्पिटेंट है, सक्षम है, वो इसको चला सकता है। और उसके लिए, उसको चलाने के लिए उसको कहीं सेपरेट इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लाइसेंस की। अब इस चीज को आपको समझना है, यहीं से ये लैंडमार्क जजमेंट बन गया। इससे पहले आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए क्या करना पड़ता था, आपके लाइसेंस को अलग से इंडोर्स कराना पड़ता था कि आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाओगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये जो इंडोर्समेंट का प्रोसेस था वो खत्म हो गया। अब आपके पास अगर LMB लाइसेंस है तो आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी चला सकते हो जिसका वो 7500 केजी से कम है। तो यहाँ पे एक बूस्ट मिला कि लोगों को परेशान कम होना पड़ा, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लाइसेंस थे वो अलग से नहीं बनवाने पड़ते थे, आपके पास LMB है, आप सारी गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, बशर्ते कि उसका वेट इससे कम होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जवाब था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारा अमेंडमेंट है, हमारा जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट के वजह से जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल की डिफिनीशन है वो चेंज हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शंस है जिसमें उन्होंने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है, किसके जगह पे, हैवी गुड्स व्हीकल के जगह पे, पैसेंजर व्हीकल की जगह पे, ये सारा मैंने आपको दिखाया था, फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो चेंजेस इन सब के जगह पे डिलीट करके इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केवल सब्स्टिट्यूशन है, ये चेंज करने से ऐसा नहीं हो गया है कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल यहाँ पे डालने का मतलब ये नहीं है कि LMV वाला अब इसको ड्राइव नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इन सब जगह पे सब्स्टिट्यूट किया गया है। ये तो हमारे जो लोअर बेंच थी उनका ये सवाल था कि ये जो अमेंडमेंट है क्या ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल के डेफिनेशन को चेंज नहीं कर देता है, जो कि पहले मीडियम पैसेंजर व्हीकल हुआ करती थी, हैवी गुड्स पैसेंजर व्हीकल हुआ करती थी और जिसके लिए सेपरेट लाइसेंस चाहिए होता है। अब हमने इन सबको हटा के अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल रख दिया है तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल LMV वाला चला रहा है क्या इसकी डिफिनीशन चेंज नहीं हो जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको एक्सक्लूड किया गया है, इससे वहां पे कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल वो चला सकता है जब तक उसका वेट 7500 केजी से कम है, तब तक। ये जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल यहाँ पे यूज किया गया है, अगर आपको सेपरेट लाइसेंस चाहिए तो मीडियम और हैवी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उन्हीं के लिए सेपरेट लाइसेंस चाहिए। केवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल नाम आ जाने की वजह से नहीं आपको अलग से लाइसेंस बनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट का जो लोअर बेंच था उनका यही मीनिंग था कि यहाँ पे जो नाम चेंज किया गया है इसके वजह से उसके डिफिनीशन में क्या चेंज होगा। आपको पता है लॉ में एक एक वर्ड मैटर करता है। तो ये उनका थर्ड नंबर का सवाल था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो रिलेटेड था फॉर्म 14 से। तो फॉर्म 14 में जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसको अगर इंसर्ट किया गया तो जो कहा गया कि सेपरेट इंडोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे लोअर बेंच ने कहा था कि क्या उनको जरूरत पड़ेगी सेपरेट इंडोर्समेंट के लिए अगर उनके पास LMB का लाइसेंस है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू ऑपरेट द या टू ऑब्टेन द सेपरेट इंडोर्समेंट टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ये सारा कन्फ्यूजन था, इस सारे कन्फ्यूजन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग ऑर्डर से, ऑर्डर नंबर ABCD के रिप्लाई में उन्होंने कह दिया कि जो आदमी, इन शॉर्ट हम कहें कि उन्होंने कहा कि जिसके पास LMV का लाइसेंस है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी चला सकता है, केवल कार नहीं चलाएगा, वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी चला सकता है, बशर्ते उसका वेट 7500 से कम होना चाहिए। इससे ऊपर का रहेगा तो उसको सेपरेट इंडोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी, उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो अलग कैटेगरी में आएगा। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं। हो सकता है अभी भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, तो कंक्लूजन से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस किया हमने, तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो जो फाइनल वर्डिक्ट है अगर उसको हम कंक्लूड करें तो उसका मतलब यही है कि आपको जो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है वो केवल दो ही केस में चाहिए, अगर आपको मीडियम और हैवी गुड्स या पैसेंजर व्हीकल चलाना है तो ही। नो अदर व्हीकल विज रिक्वायर्ड एनी सेपरेट इंडोर्समेंट इवन इफ दे आर यूजिंग फॉर द कमर्शियल पर्पज। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इन दोनों को छोड़ के किसी भी व्हीकल के लिए, ऑब्वियसली इन दोनों के लिए वेट डिफाइंड है, मैंने आपको बताया भी, आपको किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए किसी भी सेपरेट इंडोर्समेंट या लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो LMB लाइसेंस है उसी पे आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल या फिर कमर्शियल यूज की जो व्हीकल हैं उनको भी चला सकते हो, बशर्ते
एक ही प्रॉब्लम है कि उसका वेट 7500 से कम होना चाहिए और ये हम ग्रॉस वेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने देख बताया भी है कि फॉलोइंग ये सारी गाड़ियाँ आप चला सकते हो, यहाँ पे मेंशन है एक तरह से, तो ये सारी गाड़ियाँ आप ड्राइव कर सकते हो अपने LMB लाइसेंस से। स्पेशली ये सब भी नहीं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं अगर उनका वेट 7500 से कम है तो आप उसको ड्राइव कर सकते हो अपने LMB लाइसेंस के बेसिस पे। यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बढ़ी होगी, केस आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर आप नेट पे PDF डाउनलोड करोगे तो ये 50-60 पेज की PDF आएगी, उसमें बहुत सारी केसेस का रेफरेंस है, इवन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है अगर आप वो भी डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे जगह का रेफरेंस दिया गया, क्योंकि जब जजमेंट आता है, जब जजमेंट लिखा जाता है तो जितने भी रेफरेंस जहाँ जहाँ से चीज़ें ली जाती हैं सारा रखा जाता है। मैंने अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कंक्लूड किया है कि जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें आप जानो, बाकी सारी चीज़ें अलग हैं, जानने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो जो अमेंडमेंट हुए हैं यहाँ पे, जिन अमेंडमेंट की स्पेशली इस जो जजमेंट है, इस जजमेंट में जो अमेंडमेंट यूज हुए हैं, प्लीज़ आप उनको याद कर लीजिए अगर आप याद कर सकते हो तो। ये जजमेंट क्या है आपको ध्यान रखना है, जजमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास LMB लाइसेंस है तो आप किस टाइप के व्हीकल ड्राइव कर सकते हो, स्पोर्ट व्हीकल को कैसे कैटेगराइज किया गया है, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं, किसको डिलीट कर दिया गया, किसको ऐड कर दिया गया। तो जो हमारा सेक्शन 10 के जो सब सेक्शन 2 है उसको आपको ध्यान रखना है, और हमारा जो सेक्शन 2 है उसका 21, उसका 16, 17, 48, 41, ये सारे जो सेक्शंस हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि उन सारे सेक्शन को यहाँ पे क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट, गुड लक।